ये गुप्ता एंड गुप्ता जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, उसी का एक चैप्टर है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का। इससे पहले हम लोग 1 से 7 तक जो कि फ्लूड मैकेनिक्स से सॉल्व करते हुए कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट तक का क्वेश्चन जो है हम लोग इसमें सॉल्व करके अलग अलग वीडियो में अलग अलग पार्ट करते हुए सॉल्व कर चुके हैं। इस पार्ट में भी हम लोग सॉइल मैकेनिक्स जो सॉल्व कर रहे हैं इसमें भी हम लोग ऑलरेडी 2 पार्ट जो है सॉल्व कर चुके हैं। दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से लेकर के 50 तक सॉल्व किए थे। सेकंड पार्ट में हम लोग 51 to 100 मीन्स 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इस पार्ट में दैट इज पार्ट थर्ड है, इस पार्ट में हम लोग 100 से आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 101 नंबर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, ये कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट मीन्स सीडी टेस्ट के बारे में पूछ रहा है। तो क्या है सीडी टेस्ट उसके बारे में पूछ रहा है। इन ए कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट और इन नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल ड्यूरिंग सीयर, जो वॉल्यूम होता है सीडी टेस्ट में वो क्या होता है, सीयर जब निकालते हैं ड्यूरिंग सीयर टेस्ट या ड्यूरिंग सीयर के टाइम पे जो वॉल्यूम होता है कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट में वो क्या होता है। तो जो वॉल्यूम होता है सीडी टेस्ट में जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज करता है, मीन सीडी टेस्ट में जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज करेगा, दैट इज डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा, स्केम्प्टन पोर प्रेशर कोएफिशिएंट बी फॉर सैचुरेटेड क्ले, अगर सैचुरेटेड क्ले में बी का जो वैल्यू है वो कितना होता है, तो अगर बी का जो वैल्यू होता है सैचुरेटेड क्ले में वो 1 होता है और 0 होता है किस में, ड्राई सॉइल में 0 होता है और 1 होता है किस में, 1 होता है मेरा स्केम्प्टन जो पोर प्रेशर कोएफिशिएंट बी है 1 होता है किस में, सैचुरेटेड सॉइल के केस में, और 0 होता है किस में, वो ड्राई सॉइल के केस में। और बी होता क्या, अगर बी का वैल्यू अगर निकाला जाए तो बी रिलेटेड होता है जो पोर वाटर चेंज इन पोर वाटर प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन सेल वाटर प्रेशर, या फिर इसको कह सकते हैं डेल्यू सी डिवाइड बाय डेल सिग्मा सी, सेल प्रेशर और पोर वाटर प्रेशर, इसी को बी बोलते हैं। इसका जो वैल्यू होता है पी का जो वैल्यू होता है 1 होता है किस में, सैचुरेटेड में, और 0 होता है ड्राई में, इंपॉर्टेंट है दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज यूनिक फंक्शन ऑफ, सीयर स्ट्रेंथ तो किसका फंक्शन होता है, तो हम लोग देखते हैं बाय कॉलम्स लॉ क्या होता है, सीयर स्ट्रेस इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा इफेक्टिव, या फिर यहाँ से देख सकते हैं कि जो वैल्यू होता है वो कितना हो रहा है, इसका जो टॉ का जो वैल्यू होता है वो सी हो गया कोहेजन कोएफिशिएंट डिवाइड बाई इफेक्टिव स्ट्रेस टैन फाई, मीन्स देखा जाए तो ये इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू होता है ना कि टोटल स्ट्रेस का। ये पूछ रहा था जो सीयर स्ट्रेंथ होता है किसका फंक्शन होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस या बोथ। तो हम लोग क्या देखें कि जो सीयर स्ट्रेस है क्या होता है, सी प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस टैन फाई, मीन्स इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू पर डिपेंड करता है, मीन्स इफेक्टिव स्ट्रेस वन दैट इज ए। इसका बोल रहा है इन डिपॉजिट नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, डिपॉजिट नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले अगर डिपॉजिट कर रहा है तो क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज विद डेप्थ बट वाटर कंटेंट। ये पूछ रहा है कि जब कोई नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है और डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, तो इसमें हम लोग क्या जानते हैं डेप्थ के साथ वैरी क्या करता है, वो बताने का कोशिश कर रहा है या वो पूछ रहा है कि डेप्थ के साथ क्या वेरिएशन होता है। तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है इसे हम लोग जानते हैं इसका जो वैल्यू क्या होता है, गामा सबमर्ज इनटू जेड, कहने का मतलब है कि इफेक्टिव स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड का, या फिर कह सकते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस जो है इंक्रीज करेगा कब, जब मेरा डेप्थ इंक्रीज करेगा, मीन्स जेड का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो कह सकते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस जो है डेप्थ के साथ इंक्रीज करेगा, वाटर कंटेंट जो है डेप्थ के साथ डिक्रीज करेगा, और जो स्ट्रेंथ है वो डेप्थ के साथ इंक्रीज करेगा। ये 3 टर्म है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, ऑप्शन में मेरा क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करेगा विथ डेप्थ, बट वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल एंड अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज नहीं करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा, मीन्स ये गलत हो गया। इफेक्टिव स्ट्रेस एंड वाटर कंटेंट इंक्रीज, वाटर कंटेंट इंक्रीज नहीं करेगा, ये डिक्रीज करेगा, तो ये भी गलत हो गया। सी नंबर देखते हैं,
इफेक्टिव स्ट्रेस एंड अनड्रेन स्ट्रेंथ इंक्रीज, इफेक्टिव स्ट्रेस और अनड्रेन स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज कर रहा है, मीन्स ये सही है विद डेप्थ, डेप्थ के साथ इंक्रीज कर रहा है। सिग्मा स्ट्रेस देखें इंक्रीज किया, स्ट्रेंथ देखें इंक्रीज किया, ठीक है। वाटर कॉन्टेंट डिक्रीज करता है, बट वाटर कॉन्टेंट डिक्रीज विथ डेप्थ, वाटर कॉन्टेंट डिक्रीज करता है डेप्थ के साथ, तो ये मेरा सही हो गया। इस तरह से देखा जाए तो ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, पर इसमें ध्यान देना कि इनकरेक्ट और करेक्ट में कन्फ्यूजन बहुत रहता है, तो इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है कि सिटीजन में इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस, शेयर रेसिस्टेंस का जो इफेक्टिव एंगल है उस पर, उसके बारे में पूछ रहा है कि इफेक्टिव एंगल जो है, इफेक्टिव एंगल जो है शेयर रेसिस्टेंस का, उसके बारे में उसके अकॉर्डिंग कौन सा गलत है। तो जो इफेक्टिव एंगल होता है इंक्रीज एज द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, इफेक्टिव एंगल जो है इंक्रीज करता है कब, जब साइज जो है पार्टिकल का इंक्रीज करता है, मीन्स ये सही है, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा था तो ये आंसर नहीं होगा। इंक्रीज एज द सॉइल ग्रेडेशन इम्प्रूव, अगर सॉइल ग्रेडेशन इम्प्रूव करता है तो क्या इफेक्टिव एंगल बढ़ेगा, हाँ तो इफेक्टिव एंगल बढ़ जाता है। इज लिमिटेड, नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है लिमिटेड टू मैक्सिमम बिलो 45 डिग्री, ये लिमिटेड नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इफेक्टिव एंगल का जो वैल्यू होता है, इफेक्टिव एंगल वो लिमिटेड नहीं होता है 45 पे, तो इस तरह से ये मेरा गलत हो गया, क्योंकि 45 पे अगर लिमिट होता है, जब रॉक के केस में अगर देखा जाए तो रॉक के केस में जो फाई का वैल्यू होता है ग्रेटर देन 45 होता है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो इफेक्टिव एंगल जो है 45 पे लिमिटेड नहीं होता, तो ये गलत हो गया। रेयरली मोर देन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री से ज़्यादा होता है किसमें, फाइन ग्रेनस को सॉइल में। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इनकरेक्ट इसमें कौन सा हो गया, इफेक्टिव एंगल का कैम है तो लिमिटेड नहीं होता, दैट इज ये मेरा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड जैसे यावे, तो अनकन्फाइंड में तीन याद रखना है कि अनकन्फाइंड जब भी होता है, तो ये जब भी होता है तो सिर्फ कोहेसिव सॉइल के लिए होता है, जब भी ये अनकन्फाइंड अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जब भी लागू होता है तो कोहेसिव सॉइल के लिए होता है, पहला। दूसरा पॉइंट है इसमें जो होता है क्यू इज इक्वल टू 2c हो जाता है। तीसरा, जो इसका मोर सर्किल बनाते हैं तो ये ओरिजिन से पास करता है, इस तरह से बनता है, ओरिजिन से पास करता है। चौथा, इसमें क्या है कि जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है, मीन्स चेंज जो वॉल्यूम होगा वो जीरो होगा। तो चार टाइम इसमें याद रखना है अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव में, पहला वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट होगा, मीन्स डेली भी बराबर जीरो होगा। दूसरा क्या रखें, क्यू इज इक्वल टू 2c। तीसरा पॉइंट क्या याद रखें कि जब भी होगा तो ये कोहेसिव सॉइल में वैलिड होता है। तीसरा, जब भी इसका जो अगर हम लोग मोहर सर्किल डायग्राम बनाए तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है। चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये जो अनड्रेन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, अनड्रेन टेस्ट होता है, दैट इज अनड्रेन होता है। अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव टेस्ट जो होता है, अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव टेस्ट होता है, वो अनड्रेन टेस्ट होता है, दैट इज ए। इस क्वेश्चन पूछ रहा है, ए सिलेंडर स्पेसिमेन ऑफ एसोसिएटेड सॉइल फील्ड अंडर द एक्सियल वर्टिकल स्ट्रेस ऑफ 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर व्हेन इट वाज लैटरली अनकन्फाइंड, अनकन्फाइंड द फेलोर प्लेन वाज इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एट द एट एंगल 45 डिग्री, द वैल्यू ऑफ कोहेजन एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। कोहेजन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पूछ रहा है, सी का वैल्यू पूछ रहा है और फाई का वैल्यू पूछ रहा है। फेलोर प्लेन का दिया हुआ 45 डिग्री, तो फेलोर प्लेन बोले तो बीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। यहीं से हम लोग सॉल्व करते हैं कि अगर मेरा बीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री, तो बीटा बराबर क्या होता है 45 प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू 45 दिया हुआ। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके फाइव का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इससे 0, 5 बराबर 0। तो यहाँ से देखें, क्या देखें कि बीटा बराबर मेरा 45 दिया हुआ था, इसको अगर 45 प्लस 5 बाई 2 इज इक्वल टू 45 करते हैं तो यहाँ से फाइव का जो वैल्यू आ रहा है वो 0 आ रहा है। जैसे ही फाइव का वैल्यू 0 आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव टेस्ट में आएगा। इसमें अगर जानते तो क्यू बराबर क्या होता है 2c होता है, क्यू दिया हुआ मेरा 100 और 2c, तो c बराबर मेरा हो गया 50 किस में आ गया, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो बराबर फाइव का जो वैल्यू आ गया 0 आ गया और c का जो वैल्यू आ गया 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ न्यूटन पर एमएम में, तो इसको चेंज करेंगे न्यूटन पर एमएम में तो कितना होगा, तो न्यूटन को चेंज करेंगे तो 10^3 ऊपर में होगा, इसको चेंज करेंगे तो 10^6 नीचे होगा, चेंज करेंगे तो 10^-3 ऊपर गया, दैट इज 0.05 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ऑप्शन देखा जाए इसमें कितना हो गया, सी का वैल्यू मेरा आ गया 0.05 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और फाइव का वैल्यू आ गया 0। तो फाइव का वैल्यू 0 मेरा इसमें है, इसमें है, बट सी का वैल्यू मेरा 0.05 दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, पूरा अनकन्फाइंड कॉम्प्रेशन टेस्ट, अनकन्फाइंड फिर से आ गया, तो अनकन्फाइंड पॉइंट किस में होता है, जब भी होगा तो ये कोहेसिव होगा, ये बट याद रखना है। दूसरा, इसमें जो होता है वॉल्यूम जो चेंज होता है वो 0 होता है, मीन्स वॉल्यूम जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है।
तीसरा क्यू जो होता है वो टू सी होता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूछ रहा है इसमें क्या, इफ अनकन्फर्म्ड कंप्रेशन टेस्ट ऑन द स्क्ले वेल नेमिंग इनिशियल वॉल्यूम वी एंड द लेंथ एल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द फेलियर प्लेन, मीन्स फेलियर प्लेन पे एरिया निकालने बोला कितना होता है। तो हम लोग डिफिनेशन क्या जानते हैं, एरिया एट फेलियर प्लेन इज इक्वल टू ए इनिशियल डिवाइड बाई वन माइनस ई नोट। ई क्या होता है, ये होता है स्ट्रेन, स्ट्रेन बराबर क्या होता है चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। तो इसको पुट करते हैं इसमें तो कितना आ गया मेरा, एरिया एट फेलियर बराबर हो गया ए नोट डिवाइड बाई वन माइनस चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। स्कोर सॉल्व करेंगे, एल ऊपर जाएगा, एल यहाँ करके एल ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ पर जो मेरा वैल्यू आ गया तो ऊपर में कितना आ गया, ए एफ फेलियर बराबर हो गया ए इंटू एल, सॉरी ए फेलियर बराबर कितना हो गया ए नोट इंटू एल डिवाइड बाई वन माइनस एल माइनस डेल एल। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बी इंडिकेट करते हैं, लेंथ इंटू एरिया इक्वल टू वॉल्यूम। यहाँ से हम लोग का क्या आ गया, एरिया एट फेलियर इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाई एल माइनस डेल एल, फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट देख रहे हैं इसमें ऑप्शन का मेरा ए, दैट इज ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, द एंगल ऑफ कॉलम्स फेलियर इन बाय लैब मेक्स विद द हॉरिजेंटल इज कॉल्ड, जो कॉलम फेलियर जो है हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल क्या होता है, तो एंगल जो होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा, द ट्रैक्सल कॉम्प्रेशन टेस्ट ऑन द सॉइल स्पेसिमेन द इंटरमीडिएट प्रिंसिपल, इंटरमीडिएट जो प्रिंसिपल होता है वो कौन सा होता है। तो इंटरमीडिएट प्रिंसिपल कहने का मतलब होता है एक मेजर प्रिंसिपल एक माइनर प्रिंसिपल होता है। तो जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे मेजर हो, जो सबसे बड़ा होता है उसको मेजर प्रिंसिपल बोल कहते हैं, और जो बीच का होता है उसको माइनर प्रिंसिपल कहते हैं, जो छोटा होता है उसको भी माइनर कहते हैं। तो इंटरमीडिएट जो हो गया वो कौन सा होगा, वो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा, ए कोहेसिव सॉइल स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू वर्टिकल कंप्रेसिव लोड द इंक्लिनेशन ऑफ द क्रैक, बोल रहा है कि एक सैंपल है इसमें अगर हम वर्टिकल कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं, वर्टिकल कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं तो जो क्रैक होगा वो हॉरिजेंटल से कैसा एंगल बनाएगा, जो क्रैक होगा जो हॉरिजेंटल से कैसा बनेगा, तो क्रैक जो होगा वो 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, दैट इज 45, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट, सबसे पहले ये देखना है इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा था, इनकरेक्ट इसमें कौन सा होगा। इन डायरेक्ट सीयर बॉक्स टेस्ट, जो डायरेक्ट सीयर टेस्ट बॉक्स होता है, द प्लेन ऑफ सीयर फेलियर इज प्री डिटरमिनेंट, जो प्लेन ऑफ जो सीयर फेलियर होता है प्री डिटरमिनेंट होता है किसमें, सीयर बॉक्स टेस्ट में। तो ये तो सही है, सीयर बॉक्स टेस्ट में जो होता है जो फेलियर प्लेन होता है वो प्री डिटरमिनेंट होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बेटर कंट्रोल इज अचीव्ड ऑन द ड्रेनेज ऑफ सॉइल इन ट्रैक्सल कंप्रेशन टेस्ट, जो कंट्रोल बेटर कंट्रोल होता है किसमें, ट्रैक्सल कंप्रेशन टेस्ट में, तो ये भी सही है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द फेलियर प्लेन इन द केस ऑफ ट्रैक्सल कंप्रेशन टेस्ट इज यूनिफॉर्म, जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसमें, ट्रैक्सल कंप्रेशन में, वो यूनिफॉर्म होता है, तो ये भी सही है। ये तीनों पॉइंट मेरा सही है, मीन्स पहला जो था डायरेक्ट सीयर बॉक्स टेस्ट में जो फेलियर प्लेन जो होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है, ये सही था। बेटर कंट्रोल होता है किसमें, ट्रैक्सल में, ये भी सही था। जो सीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है किसमें, ट्रैक्सल टेस्ट में, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा होगा इसमें देखते हैं, अनकन्फर्म्ड कंप्रेशन टेस्ट कैन बी कैरिड आउट टू ऑल टाइप ऑफ सॉइल, नहीं ऑल टाइप नहीं होता, ये जब भी होता है तो ये बोले थे, ये जब भी होता है ये ऑल टाइप नहीं होगा, ये जब भी होगा तो ओनली फॉर कोहेसिव सॉइल, जब भी होगा तो ये जब भी होगा अनकन्फर्म्ड कंप्रेसिव टेस्ट जब भी होता तो वो सिर्फ कोहेसिव सॉइल के लिए होता, जब भी होगा तो कोहेसिव सॉइल के, तो इस तरह से देखा जाए ऑल टाइप के लिए नहीं, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो मेरा डी है वो गलत है, तो इस तरह से आंसर मेरा डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द शेयरिंग स्ट्रेस इज जीरो ऑन टू प्लेन देन द एंगल बिटवीन, जब सीयर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो हो रहा है, सीयर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो कहाँ होता है, सीयर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो वहीं होता है जिस प्लेन पे सीयर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो हो रहा है, उस प्लेन को हम लोग प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं, उस प्लेन को हम लोग प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। जिस प्लेन पे सीयर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो होता है उस प्लेन को हम लोग प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सीयर स्ट्रेस जीरो हो रहा है, मीन सीयर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो हो रहा है, मीन सिग्मा जो होगा मैक्सिमम होगा, नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और उस प्लेन को हम लोग प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं, दैट भी उस प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। तो जैसे दो प्लेन हो गया, इस प्लेन पे अगर सीयर स्ट्रेस का जो वैल्यू जीरो होता है तो दो प्लेन होता है वो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। टू परपेंडिकुलर प्लेन पर जब भी होगा तो सीयर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो है तो दो प्लेन के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, दैट इज 90 डिग्री। ये जो स्ट्रेस दिया हुआ है, सीयर स्ट्रेस जीरो कहाँ होता है, जब भी होता है तो प्रिंसिपल प्लेन पर होता है, जब भी जीरो होता है सीयर स्ट्रेस तो प्रिंसिपल प्लेन पर होता है, स्ट्रेस का आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
क्या कर रहा है, इफ ट्रैक्सल कंप्रेशन टेस्ट, ट्रैक्सल कंप्रेशन टेस्ट है द एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल एक्सेल स्ट्रेस दैट इज डेविटेड स्ट्रेस ऑन द सॉइल स्पेसिमेन प्रोड्यूस सीयर स्ट्रेस ऑन। कहने का मतलब इसका क्वेश्चन ये है कि मान लिया जाइए मेरा सैंपल है, इस पर एक स्ट्रेस एडिशनल स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहा है दैट इज डेविएटर स्ट्रेस, तो जो सीयर जो डेविएटर स्ट्रेस प्रोवाइड किए हैं या प्रोड्यूस किए हैं एडिशनली, तो जो इसके वजह से मीन्स एडिशनल स्ट्रेस के वजह से किस प्लेन पे सीयर स्ट्रेस डेवलप करेगा, सीयर स्ट्रेस कहाँ डेवलप करेगा वो पूछ रहा है। तो जब भी जो होगा सीयर स्ट्रेस डेवलप करेगा तो सीयर स्ट्रेस कहाँ डेवलप होगा, तो ये मेरा प्लेन है और ये प्लेन है, अगर इस प्लेन पर हम लोग डेविएटर स्ट्रेस ऐड किए हैं मीन्स एडिशनल स्ट्रेस प्रोवाइड किए हैं, तो जो इसके वजह से जो सीयर स्ट्रेस डेवलप होगा तो ये जो प्रिंसिपल प्लेन को छोड़कर, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन पे सीयर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो होता है, प्रिंसिपल प्लेन पे सीयर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो होता है, तो इसके वजह से जो सीयर स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो प्रिंसिपल प्लेस पे नहीं होगा। प्रिंसिपल प्लेस करने का मतलब है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन, ये दो प्लेन को छोड़ करके बाकी हर जगह पे डेवलप कर सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सबसे पहले जो पूछ रहा है इसमें ये ध्यान देना कि एडिशनल एक्सेल स्ट्रेस प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो सवाल प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सीयर स्ट्रेस, सीयर स्ट्रेस कहाँ प्रोड्यूस करेगा, तो सीयर स्ट्रेस जो होता है प्रिंसिपल प्लेन पे वो सीयर स्ट्रेस हमेशा जीरो होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है जो सीयर स्ट्रेस प्रूव कहाँ करेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सीयर स्ट्रेस जो होगा वो जीरो होगा तो प्रोड्यूस ही नहीं होगा, वर्टिकल प्लेन इस पर भी जो सीयर स्ट्रेस होगा वो जीरो होगा, बोथ तो होगा नहीं, तो बचा क्या, ऑल प्लेन एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल छोड़ के ऑल प्लेन पे सीयर स्ट्रेस प्रोड्यूस कर सकता है, इस तरह से इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑन द प्लेन इंक्लाइन एट एन एंगल 45 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल प्लेन इज रिप्रेजेंट ऑन द मोअर्स सर्किल बाई ए पॉइंट एट विच। तो कह रहा है कि किसी एंगल पे ठीक ठाक मान लिया 45 डिग्री दे रहा है, तो उस एंगल पे प्रिंसिपल वो सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस और सीयर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक फॉर्मूला पढ़े थे कि नॉर्मल स्ट्रेस अगर थीटा पर निकाला रहे तो क्या होता है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 कोस 2 थीटा प्लस माइनस टाउ एक्स बाई साइन 2 थीटा, ये फार्मूला था। इसी फार्मूला पे हम लोग निकाल लेते हैं नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू, नॉर्मल स्ट्रेस पूछ रहा है ना, नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू, तो नॉर्मल स्ट्रेस अगर किसी एंगल पे निकालना रहता तो फार्मूला हमको याद होगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 कोस 2 थीटा प्लस माइनस टॉ एक्स बाई इंटू साइन 2 थीटा। यहाँ पर टॉ दिया हुआ नहीं है तो टॉ बराबर जीरो हो जाएगा, और 45 पे निकाल रहे हैं तो कोस 2 थीटा कितना हो जाएगा, कोस 90 बराबर कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये टर्म भी मेरा जीरो हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो मेरा बच्चा वो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 बच्चा प्लस में जीरो बचेगा, प्लस में सेकंड टर्म जीरो बचेगा, ये जीरो कहाँ से आ गया, क्योंकि कोस 2 थीटा था, कोस 2 थीटा कोस 90 बराबर जीरो, ये जीरो कहाँ से आ गया, क्योंकि टॉ एक्स बराबर जीरो था इसलिए ये जीरो हो गया। तो इसको अगर प्लस प्लस दो टर्म और होता और सीयर स्ट्रेस का वैल्यू देखें किसी एंगल पर तो कितना होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा, अगर थीटा बराबर 45 डालता तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो सीयर स्ट्रेस का वैल्यू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 आ गया, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इन द ट्रैक्सल कंप्रेशन टेस्ट व्हेन द ड्रेनेज इज अलाउ ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज, बोल रहा है ट्रैक्सल कंप्रेशन टेस्ट है फर्स्ट स्टेज में जो है ड्रेनेज अलाउ है, फर्स्ट स्टेज में ड्रेनेज अलाउ है, ठीक है, एंड नॉट ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज, और सेकंड स्टेज में अलाउ नहीं है, तो पूछ रहा है कि कौन सा टेस्ट होगा। कंसोलिडेटेड ड्रेन तब होता है जब दोनों में अलाउ होता, ये तो सही है, फिर ड्रेन तब होता है जब दोनों में अलाउ रहता, बट नॉट अलाउ है ना, तो पहला जो होगा वो कंसोलिडेटेड हो जाएगा और सेकंड जो होगा फर्स्ट स्टेज सेकंड जो होगा वो अनड्रेन्ड हो जाएगा, फर्स्ट कंसोलिडेटेड सेकंड अनड्रेन्ड, तो कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड मेरा बी में है। क्वेश्चन को गौर से देखना है, फर्स्ट स्टेज में जो मेरा है वाटर को ड्रेन कर रहा है मिस कंसोलिडेटेड हो जाएगा, सेकंड स्टेज में अनड्रेन्ड है वाटर को पास नहीं कर रहा है मिस अनड्रेन्ड हो जाएगा यहाँ से, तो इस तरह से मेरा बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, वेन ए सॉइल सैंपल इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लूड प्रेशर,
फ्लूड प्रेशर अगर किसी सैंपल पे फ्लूड प्रेशर लग रहा था, हम लोग जानते हैं कि जब फ्लूड प्रेशर होता है जब भी लगता है तो इनफॉर्मली लगता है चारों डायरेक्शन से, हर डायरेक्शन से जो फ्लूड लगता है प्रेशर फ्लूड की वजह से यूनिफॉर्मली लगता है और हर जगह पे सेम लगता है। इस तरह से कह सकते हैं कि अगर इसको सिग्मा वन मानते हैं, इसको सिग्मा थ्री मानते हैं, तो यहाँ से सिग्मा वन बराबर सिग्मा थ्री हो जाएगा, मैं सिग्मा वन बराबर सिग्मा थ्री हो जाएगा। इसमें मोहर सर्किल अगर ड्रा किया जाए तो मोहर सर्किल जो होता है इसमें, जो मोहर सर्किल होता है, मोहर सर्किल जो इसमें होता है, जो मोहर सर्किल होगा एक पॉइंट के फॉर्म में होता है, सिर्फ मोहर सर्किल जो होगा एक पॉइंट हो जाता है इसका, क्योंकि रेडियस जीरो हो जाता है, रेडियस जीरो हो जाता है। जब भी फ्लूड प्रेशर लगता है तो फ्लूड प्रेशर यूनिफॉर्मली लगता है यहाँ से, तो यहाँ अगर सिग्मा वन या सिग्मा थ्री है तो यहाँ पर सिग्मा वन बराबर सिग्मा थ्री हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका, सिग्मा वन सिग्मा थ्री एक में दिया, दैट इज ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्या कह रहा है। व्हेन ए सैंपल ऑफ सैंड इज शेयर्ड अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन देन द वॉल्यूम ऑफ डेंस सैंड इंक्रीज। जो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना है वो। व्हेन ए सैंपल ऑफ सैंड इज शेयर्ड अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन में शेयर कर रहा था, वॉल्यूम ऑफ डेंस सैंड इंक्रीज एंड दैट ऑफ लूज सैंड डिक्रीज। जो वॉल्यूम होगा, जो वॉल्यूम होता है, हम लोग देखे थे अनड्रेन्ड कंडीशन में क्या होता है, अभी हम लोग देखे थे वॉल्यूम जो अनड्रेन्ड कंडीशन में जो होता है वो वॉल्यूम जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो जीरो होगा। तो सबसे मेजर चीज़ इसमें यही याद रखना है, अनड्रेन्ड कंडीशन में जैसे ही अनड्रेन्ड कंडीशन आवे तो अनड्रेन्ड कंडीशन में जो होता है वो वॉल्यूम जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, और चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो जीरो होगा। मैं चेंज इन वॉल्यूम नहीं होता, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है अनड्रेन्ड कंडीशन में। अनड्रेन्ड कंडीशन में जो वॉल्यूम होगा वो चेंज इन वॉल्यूम जो होगा जीरो होगा, या फिर कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट कहाँ है, वॉल्यूम डज नॉट चेंज, वॉल्यूम डज नॉट चेंज, दैट इज डेज का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो जीरो होता है, बट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ अनडिस्टर्ब शियर स्ट्रेंथ टू रीमोल्डेड, मीन्स अनडिस्टर्ब ऊपर में है और रीमोल्डेड है, तो हम लोग क्या जानते हैं रीमोल्डेड हमेशा कम होता है, रीमोल्डेड जो होता है हमेशा लेस होता है वन से, मतलब हमेशा कम होता है किससे, अनडिस्टर्ब से। जो अनडिस्टर्ब सैंपल हो गया, किसी भी का अनडिस्टर्ब सैंपल जो हो गया, हमेशा इसका जो बड़ा होता है किससे, रीमोल्डेड से। तो दोनों का जो रेशियो होगा अनडिस्टर्ब डिवाइड बाई रीमोल्डेड रेशियो होगा वो ऑलवेज जो होगा वो ग्रेटर होगा वन से। इस तरह से कह सकते हैं द रेशियो पूछ रहा किसका, अनडिस्टर्ब शियर स्ट्रेंथ टू रीमोल्डेड शियर स्ट्रेंथ, मीन्स अनडिस्टर्ब है बटा रीमोल्डेड है, तो ये जो होगा जब भी होगा तो ग्रेटर देन वन आएगा, क्योंकि अनडिस्टर्ब हमेशा जो होता है बड़ा होता है किससे, रीमोल्डेड से। इसलिए मेरा जो ऑप्शन हो गया सी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रायक्सियल टेस्ट व्हेन द सेल प्रेशर इज इंक्रीज बाय फ्रॉम 0.1 टू 0.26 देन पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज फ्रॉम 0.07 टू 0.15। ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट स्टेज में है ट्रायक्सियल टेस्ट किया जा रहा है, तो पूछ रहा है जब जो सेल प्रेशर है मीन सिग्मा थ्री जो है वो कितना चेंज हो रहा है, सिग्मा थ्री जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब फर्स्ट स्टेज में देखा जाए तो चेंज हुआ 0.1 से लेकर के ये चेंज कहाँ तक हो गया 0.26 तक, और जो पोर वाटर प्रेशर है वो कहाँ से चेंज हुआ 0.07 से लेकर के 0.15 तक। तो पूछ रहा है इसमें क्या स्केटम पोर प्रेशर कोफिशिएंट बी, पोर वाटर प्रेशर पूछ रहा है, मैं पोर प्रेशर पूछ रहा है पैरामीटर, स्केम्प्टम पोर प्रेशर पैरामीटर बी पूछ रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं बी बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, डेल यू सी डिवाइड बाई डेल यू डेल सिग्मा थ्री, ये होता है सेल प्रेशर कह सकते हैं। तो पैरामीटर जो होता है स्केम्प्टम पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर बी कोफिशिएंट वी जो होता है डेल यू सी बाई डेल यू सिग्मा थ्री होता था, डेल यू सी का वैल्यू देखते हैं कितना दिया हुआ है, तो बी यहाँ से देखें हम लोग कितना आ गया, डेल यू सी मेरा कितना आ गया, सेल प्रेशर का चेंज होगा तो कितना होगा सिग्मा चेंज कितना हुआ फर्स्ट में, यू चेंज हो रहा 0.26 माइनस 0.10, और जो पोर वाटर सॉरी ये जो सेल प्रेशर चेंज हुआ ना, सेल प्रेशर तो ऊपर चेंज हो रहा है, जब फर्स्ट स्टेज ड्यूरिंग द सेल प्रेशर चेंज हो रहा था मेरा इतना,
एंड द पोर वाटर प्रेशर कितना चेंज हो रहा था, पोर वाटर प्रेशर मेरा जो चेंज हो रहा जो होता है मेरा क्या होता है, ये बी का अगर वैल्यू देखें हम लोग, बी का जो फॉर्मूला था क्या था, डेल यू सी बाई डेल यू सिग्मा थ्री, तो चेंज इन वाटर प्रेशर कितना दिया हुआ है इसमें, चेंज इन जो वाटर प्रेशर हो रहा है, पोर वाटर प्रेशर बोलो या वाटर प्रेशर बोलो कितना चेंज हो रहा है, 0.07 से लेकर 0.15 तक जा रहा है। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि जो बी बराबर कितना आ गया, 0.15 माइनस 0.07, और सेल प्रेशर कितना होगा, चेंज इन सेल प्रेशर देखा जाए तो यहाँ पर 0.26 माइनस 0.10, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 0.08 डिवाइड बाई नीचे आ गया 0.16, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 1/2। ऑप्शन देख लेते हैं 1/2 किस में है, 1/2 अगर देखा जाए तो 1/2 ए में है। सिंपल हम लोग बी याद रखना है, डेल यू सी डिवाइड बाई डेल यू सिग्मा थ्री या सेल प्रेशर, जो पोर वाटर प्रेशर होता है वो सेल प्रेशर से रिलेटेड होता है। इसको याद रखने के लिए टेक्स क्या है, बी है तो बी सी से रिलेटेड होगा, सेल प्रेशर से रिलेटेड होगा। ये भी याद रखना कि बी जो है जब भी होगा तो सी से रिलेटेड होगा, तो डेल यू सी डिवाइड बाई डेल सिग्मा सी, सी से सी बी ए बी सी से रिलेटेड हो गया, इससे इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी पूछ रहा है क्या डिफाइन, जो किस जो इसका सेंसिटिविटी होता है क्या डिफाइन होता है, तो ये रेशियो होता है किस किस में, रेशियो ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सैंपल, मीन्स क्यू होता है अनडिस्टर्ब सैंपल डिवाइड बाई क्यू होता है रीमोल्डेड सॉइल, ठीक है, तो क्यू होता है अनडिस्टर्ब सैंपल और रीमोल्डेड सैंपल का रेशियो होता है, इस तरह से बी इसका आंसर हो गया। अगर सेंसिटिविटी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर 16 से होता है तो इस केस में क्या बोलते हैं, क्यू क्ले कंडीशन बोलते हैं। अगर सेंसिटिविटी का वैल्यू ग्रेटर देन 16 आ जाए, ऐसे तो इसका जो नॉर्मल जो होता है अगर 1 से 4 के बीच में रहता है सेंसिटिविटी का वैल्यू, तो ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल सेंसिटिव होता है। इससे अगर जाए 4 से 8 हो तो मीडियम होगा, इस तरह से बढ़ते जाता है, और 16 से जब ग्रेटर हो जाता है सेंसिटिविटी, अगर ग्रेटर हो जाएगा 16 से मीन्स 1 से 4 तक है तो ये नॉर्मल हो गया, 4 से 8 के बीच में है तो इसको कह सकते हैं मीडियम हो गया, या फिर इसी तरह से अगर बढ़ते हुए अगर ग्रेटर देन जो सेंसिटिव का वैल्यू ग्रेटर देन 16 हो जाता है तो इसको बोलते हैं क्यू क्ले कंडीशन, मीन्स क्यू क्ले कंडीशन या क्यू सेंट कंडीशन कह सकते हैं, क्यू कंडीशन बोलते हैं इसको। अगर सेंसिटिविटी का वैल्यू 16 से ग्रेटर हो जाता है तो उसको क्यू कंडीशन बोलते हैं या क्यू क्ले कंडीशन बोलते हैं। अगर सेंसिटिविटी का वैल्यू अगर 0 आता है तो उसे कह सकते हैं क्या होता है कि वो नॉन सेंसिटिव सॉइल होता है, नॉन सेंसिटिव सॉइल होता है, सेंसिटिविटी का वैल्यू 0 आ जाए तो। इसलिए नॉर्मल जब होता है 1 से 4 तक होता है तो नॉर्मल होता है, 4 से 8 तक होता है तो मेरा मीडियम सेंसिटिव होता है। और ये याद रखना है हमेशा कि एस अगर ग्रेटर देन 16 हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, क्यूक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूक क्ले कंडीशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रंकाइन थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर एज्यूम दैट बैक ऑफ द बाल, रंकाइन थ्योरी में जो होता है वो बैक जो बाल का उसको क्या लेते हैं, वो वर्टिकल लेते हैं और स्मूथ लेते हैं, मीन्स फ्रिक्शन कोफिशियंट जो है, जो फ्रिक्शन कोफिशियंट का जो वैल्यू है वो 0 लेते हैं रंकाइन कोफिशियंट, रंकाइन अर्थ प्रेशर में, और वर्टिकल होता है मीन्स वर्टिकल और स्मूथ, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोफिशियंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर फॉर लूज सैंड हैविंग एन एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री, बोल क्या रहा है, कोफिशियंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है कि इसको कोफिशियंट के ऐसे इंडिकेट करता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर का जो डिफिनेशन होता है फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन 5 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 5 होता है, ठीक है। कोफिशियंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर फॉर लूज सैंड हैविंग द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री के लिए अगर निकाला जाए तो साइन 30 हुआ कितना हो जाएगा, साइन 30 बराबर 1/2, ये 1/2 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, के का वैल्यू जो आ गया मेरा 1 माइनस 1/2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/2, इसको सॉल्व किए तो 2 1 कितना हो गया, 2/3 डेट इज 1/3। यहाँ से इसका आंसर देख लिए, एक्टिव प्रेशर के केस में, एक्टिव अर्थ प्रेशर के केस में 1/3 हो गया, और ये 3 होता है पैसिव के केस में, क्योंकि पैसिव में क्या होता है 1 प्लस साइन डिवाइड बाई 1 माइनस साइन 5, ये प्लस ऊपर हो जाता है माइनस नीचे हो जाता है, तो केपी में जो होगा, और जो के होता है इन्वर्सली होता है किसका, इन्वर्सली होता है के का, ये भी हम लोग याद रखते हैं कि के मल्टीप्लीकेशन के पी ऑलवेज 1 होता है, जो
मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड कोफिशियंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू वन, ये भी याद रखना है। तो ये मेरा ए हो गया, ये देखा जाए तो एक्टिव के लिए हो गया, और बी देखा जाए, अगर ये देखा जाए तो ये पैसिव के लिए हो गया, ये भी याद रखना। तो इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्या रहा है। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इन एन एलिमेंट ऑफ कोहेजन सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल जैसे ही बोले तो कोहेजन लेस सॉइल में क्या हो जाता है, कोहेजन लेस है मीन सी का वैल्यू जीरो है, कोहेजन लेस में यही होता है, कोहेजन लेस में होता है सी का वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। पहला कोहेजन लेस जैसे ही बोले तो दिमाग में यही आना चाहिए कि सी का वैल्यू जीरो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा था, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इन एलिमेंट ऑफ कोहेजन लेस सॉइल विद द बैकफिल ऑफ रिटेनिंग बल, क्योंकि रिटर्निंग बाल के बैकफिल में क्या फिल किया हुआ है, जो कोहेजन लेस सॉइल फिल किया हुआ है, तो जो वर्टिकल जो स्ट्रेस, जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन सा होगा, तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इसमें कौन सा होगा, तो जो मतलब फील करेंगे तो इसमें दो तरह का स्ट्रेस होगा, एक सिग्मा वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल होगा। जैसे ये मान लीजिए रिटर्निंग बाल है, इसमें अगर सॉइल फिल किए हैं तो इसमें दो तरह का स्ट्रेस लगेगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा। इसको अगर हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ये अगर वर्टिकल बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ये वर्टिकल बोलते हैं, तो ये पूछ रहा है कि मेजर कौन होगा, मेजर हॉरिजॉन्टल वाला होगा या वर्टिकल वाला होगा। इसके लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो सिग्मा भी बराबर क्या होता है, सिग्मा एच के, अगर हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिग्मा एच इंटू के होता है, अगर एक्टिव मान के चलते हैं तो माइनस में टू सी इंटू के होता है, लेकिन यहाँ पर कोहेजन लेस दिया हुआ है तो सी का जो वैल्यू जीरो होगा, जीरो होगा ये। तो यहाँ से क्या देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो सिग्मा भी जो आ गया वो कितना आ गया मेरा, सिग्मा एच इंटू के, क्योंकि सी का वैल्यू जीरो था। तो अब दूसरा कंडीशन क्या होता है, अगर एक्टिव केस है, के एक्टिव है, तो के का जो वैल्यू होता है, के एक्टिव है, के का जो वैल्यू होता है लेस देन या इक्वल टू कितना हो सकता है, वन हो सकता है, इससे बड़ा नहीं होता। के एक्टिव मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर जो है जब भी होगा तो लेस देन या इक्वल टू वन होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं जो सिग्मा भी जो मेरा आया था, मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन का जो प्रेशर है, सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन का जो स्ट्रेस है वो कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का स्ट्रेस इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर या पैसिव अर्थ प्रेशर जो भी हो। तो हम एक्टिव लेके एज्यूम कर रहे हैं, एक्टिव लेके हम आगे कर रहे हैं, तो के ए का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वन से इक्वल या लेस होता है। जब एक से लेस होगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, इसका देखा जाए तो ये वन से कम होगा या तो वन से बराबर होगा। यहाँ से कह सकते हैं कि सिग्मा भी जो हो गया, सिग्मा भी जो हो गया हमेशा बड़ा होगा। जैसे हमने क्या देखा कि अगर सिग्मा भी बराबर मेरा सिग्मा एच इंटू के आ रहा है, ठीक है, कि ए जो है हमेशा लेस देन या इक्वल टू वन है, हमेशा लेस देन इक्वल टू वन होगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, सिग्मा भी जो होगा ऑलवेज जो होगा ग्रेटर होगा किस से, सिग्मा एच से। सिग्मा वर्टिकल डायरेक्शन का जो स्ट्रेस होगा ऑलवेज बड़ा होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। तो ऑप्शन में देखते हैं कि वर्टिकल इफ द सॉइल इज इन एक्टिव द प्लास्टिक, अब यहाँ से देख लेते हैं, यही बोल रहा है कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन होगा, तो वर्टिकल वाला मेजर होगा कब, वर्टिकल हम जो सॉल्व किए हैं यही देखें कि सिग्मा भी बराबर सिग्मा एच आ गया इसमें एक्टिव के केस में, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा वो कौन सा होगा, वर्टिकल होगा इफ द सॉइल इज इन एक्टिव स्टेट, जब मेरा सॉइल एक्टिव स्टेट में था तो वर्टिकल जो स्ट्रेस हो गया वही हो गया मेरा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो सिग्मा भी जो होता वो बड़ा हो गया था सिग्मा हॉरिजॉन्टल से, और जो स्ट्रेस बड़ा होता है उसी को प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा भी बड़ा हो गया तो इसी को हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस कर सकते, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं, और सिग्मा वन जो हो गया माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तभी सिग्मा थ्री हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछ रहा था कि इसमें कौन सा होगा, वर्टिकल वाला होगा या फिर हॉरिजॉन्टल वाला होगा। तो हम लोग देख लिए कि सिग्मा भी जो हो गया सिग्मा एस से बड़ा हो गया किस केस में, जब ये मेरा एक्टिव है, मीन्स के ए जो हो गया एक्टिव केस में एज्यूम, क्योंकि के ए जो होता है हमेशा लेस देन इक्वल टू वन होता है। इस तरह से मेरा जो हो गया ऑप्शन ए मेरा सही हो गया, इफ द सॉइल इज एक्टिव स्टेट दैट इज ए, सिग्मा बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिग्मा एच इन केस ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला शायद है, पैसिव अर्थ प्रेशर इन द सॉइल मास इज प्रोपोर्शनल टू, पैसिव अर्थ प्रेशर जो है मीन्स पैसिव अर्थ प्रेशर में जो के होता है वो कितना होता है, लोग देखे तो 1 + sin φ डिवाइड बाई 1 - sin φ, जब भी होता प्लस होता है। तो पैसिव में ये याद रखना, शॉर्टकट इसका याद है कि पैसिव मीन्स प्लस, ठीक है,
पैसिमिस प्लस, ठीक है, तो यहाँ प्लस हो गया, तो हो गया पैसिव के केस में। इसी को अगर आगे देखा जाए तो ये हो गया किसका कोफिशिएंट हो गया, पैसिव का, ये हो गया जब प्रेशर कोफिशिएंट आज रेस्ट में, ये हो गया जब प्रेशर कोफिशिएंट आए एक्टिव के केस में, ठीक हो गया एक्टिव के केस में। तो माइनस जब हो गया तो एक्टिव के केस में, प्लस हो गया तो पैसिव के केस में, म्यू डिवाइड बाई वन माइनस म्यू, वो रेस्ट कंडीशन में होगा, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, ये कोफिशिएंट हो गया, इसको के पी भी लिख सकते हैं या के नोट इसको लिखते हैं, और ये जो होता के होता दूसरा है। और एक पॉइंट याद रखना, के इंटू के पी जो होता है ऑलवेज वन होता है। तीसरा क्या याद रख सकते हैं, के ए सबसे छोटा होता है, इससे बड़ा के रेस्ट में होता, इससे बड़ा के पी होता, तीनों कोफिशिएंट तीनों टर्म याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द इफेक्ट ऑफ कोहेजन ऑन सॉइल इज टू, कोहेजन है जो, कोहेजन जो दिया हुआ किसी सॉइल में, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कोहेजन का जो इफेक्ट आएगा, द इफेक्ट ऑफ कोहेजन ऑन सॉइल इज टू रिड्यूस बोथ एक्टिव, मतलब एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर पर क्या इफेक्ट करेगा कोहेजन, वो पूछ रहा है। तो हम लोग एक डिफिनेशन क्या जानते हैं, अगर एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर का अगर फार्मूला देखा जाए, तो अगर एक्टिव का देखा जाए, एक्टिव अर्थ प्रेशर का, तो के ए गामा जेड माइनस टू सी रूट के होता है, ठीक है। और पैसिव का देखा जाए तो के पी गामा जेड प्लस टू सी रूट के पी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्लियरली कि जो एक्टिव का केस में, जो एक्टिव का केस में जो कोहेजन है वो डिक्रीज कर रहा है, मीन्स माइनस में आ रहा है, और पैसिव के केस में, पैसिव के केस में ये पॉजिटिव है, मीन्स पैसिव के केस में जो कोहेजन है वो इंक्रीज कर रहा है और एक्टिव के केस में डिक्रीज कर रहा है। ये फार्मूला से हम लोग देख लें। अब इस पर ऑप्शन में आते हैं, क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ कोहेजन क्या करेगा, रिड्यूस बोथ, बोथ रिड्यूस नहीं करता, क्योंकि रिड्यूस किसको करता है, सिर्फ एक्टिव को रिड्यूस करता है और पैसिव को इंक्रीज करता है, कितना से, टू सी अंडर रूट ऑफ केस है। तो पहला इस तरह से गलत हो गया, दोनों को रिड्यूस नहीं करेगा, गलत है, इंक्रीज बोथ, बोथ को इंक्रीज भी नहीं करेगा, ये भी गलत है। थर्ड नंबर ऑप्शन देखता है, रिड्यूस द एक्टिव अर्थ प्रेशर, हाँ एक्टिव अर्थ प्रेशर को रिड्यूस कर रहा है, कितना से किया था ये, टू सी सिग्मा ए से, सॉरी टू सी अंडर स्क्वायर रूट के ए, अर्थ प्रेशर इन इंटेंसिटी बट इंक्रीज, इंक्रीज कर रहा पैसिव में, अभी हम लोग देखे थे पैसिव अर्थ प्रेशर में इंक्रीज किया था कितना से, टू सी रूट के पी से। तो मेरा स्टेटमेंट सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, ए रिटेनिंग बार 6 मीटर हाई सपोर्ट ए बैक फिल विथ सरचार्ज एंगल 10 डिग्री, देन द बैक फिल ऑफ द बॉल इंक्लाइंड टू द वर्टिकल एट पॉजिटिव पॉजिटिव बैटर एंगल 5 डिग्री, पॉजिटिव बैटर एंगल दिया हुआ 5 डिग्री, इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन 5 दिया हुआ कितना 7 डिग्री, देन द रिजल्टेंट एक्टिव अर्थ प्रेशर विल एक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर अबव द बेस एंड इंक्लाइंड टू ओरिजेंटल एंगल, टोटल एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल मेरा जो बैटर एंगल प्लस फ्रिक्शन एंगल को ऐड कर दिया जाए 5 डिग्री प्लस 7 डिग्री, तो टोटल एंगल मेरा हो गया मीन्स 12 डिग्री, दैट इज इसका जो आंसर हो गया वो 12 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, रेस्ट में जो है उसका लेस देन द एक्टिव अर्थ प्रेशर, बट अभी हम लोग क्या देखे थे, यही रिलेशन था के ए मीन्स एक्टिव अर्थ प्रेशर से बड़ा होता है कौन सा, कि एट रेस्ट जो कोफिशिएंट कोफिशिएंट हो गया रेस्ट में वो एक्टिव से बड़ा होता है और छोटा किससे होता है, पैसिव से, ठीक है। यही रिलेशन याद रखना है, इस रिलेशन को अगर बढ़िया से देखा जाए तो के ए इज ग्रेटर देन, के ए इज लेस देन के नोट एंड के नोट इज लेस देन के पी, ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। सबसे छोटा जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव, इससे बड़ा होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट, इससे बड़ा होता है कोफिशिएंट ऑफ पैसिव, तो सबसे बड़ा होगा कोफिशिएंट ऑफ पैसिव। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एज रेस्ट मीन्स के नोट पूछ रहा है क्या होगा, लेस देन द एक्टिव, एक्टिव से बड़ा होता है इसलिए ये गलत हो गया, ग्रेटर देन द एक्टिव अर्थ प्रेशर बट लेस देन द पैसिव अर्थ प्रेशर, मीन्स के नोट जो है ग्रेटर है के ए से, ये सही है, और बट के नोट जो है वो लेस है के पी से, ये भी सही है, मीन्स बी मेरा सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा, फॉर्मूला पूछ रहा है, फॉर्मूला ही है, इफ द टॉप सर्फेस ऑफ, टॉप सर्फेस ऑफ बैक फिल ऑफ द रिटेनिंग बॉल इज इंक्लाइन टू द होरिजेंटल एट एंगल बीटा, देन द कोफिशिएंट ऑफ पैसिव, पैसिव का पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, अगर के पी का पूछा जाए तो के पी का जो फॉर्मूला होता है ये हमेशा ध्यान रहना है, कोफिशिएंट को जो पैसिव पूछ रहा है, पैसिव का पूछ रहा है, तो पैसिव में जब भी होगा
पैसिव का अगर पूछा जाए तो पैसिव में जब भी होता तो वो पैसिव में पॉजिटिव होता है, ये याद रखना है आप ट्रिक्स के लिए। पैसिव जो होता है वो पॉजिटिव वाला होता है, तो वन माइनस यहाँ पर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा। ये पॉजिटिव का टर्म होगा या निगेटिव का, मीन्स पैसिव के लिए फॉर्मूला है कोस बीटा ब्रैकेट कोस बीटा प्लस अंडर स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे सेम था, यहाँ पे भी अगर निगेटिव रहता, यहाँ पे अगर ये वैल्यू नाइन माइनस रहता तो ये किसके लिए हो जाता, एक्टिव के लिए होगा। एक्टिव में ये माइनस होता और पैसिव में ये प्लस होता, डेट इज ये हो गया पैसिव के लिए, ये हो गया एक्टिव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, पूछ रहा है क्रिटिकल हाइट, क्रिटिकल हाइट का वैल्यू कितना होता है, फोर सी डिवाइड बाई गामा रूट के होता। ठीक है, अगर एस सी का वैल्यू, क्रिटिकल हाइट का वैल्यू पूछा है तो ये कितना होता है, फोर सी डिवाइड बाई गामा अंडर स्क्वायर रूट के। यहाँ से ऑप्शन देखा जाए इसमें कौन सा हो गया, तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो मेरा फोर सी टेन, इसका अगर देखा जाए तो टेन के फॉर्म में होता है, दैट इज ए इसका कैट हो जाएगा। ई जो होता है, ई जो हो गया वो जेड का वैल्यू दिया हुआ, जेड क्या होता है, फॉर नो टेंशन, तो नो टेंशन के लिए जो हाइट चाहिए, तो नो टेंशन के लिए जो हाइट चाहिए वो जेड होता है। जेड कितना होता है, एच बाई टू होता है। इस तरह से बी हो गया, लेकिन ये क्रिटिकल हाइट पूछ रहा था, तो क्रिटिकल हाइट क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, क्रिटिकल हाइट पूछ रहा है, तो क्रिटिकल हाइट मेरा फोर सिग्मा होता है, फोर सी डिवाइड बाई सिग्मा रूट के, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्या करा है, टोटल लेटरल अर्थ प्रेशर, क्या पूछ रहा है, टोटल लेटरल अर्थ प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू, तो लेटरल अर्थ प्रेशर जो होता है, अगर अर्थ प्रेशर देखा जाए तो कितना होता है, के ए हाफ के ए गामा एच स्क्वायर, ये होता है टोटल लेटरल अर्थ प्रेशर। ये ट्रेंगुलर फॉर्म में इसका जो होता है स्ट्रेस, और कहाँ पे एक्ट करता है, एच वाई थ्री फ्रॉम बेस, बेस से एच वाई थ्री पे लाज करता है। ये जो वैल्यू होता है हाफ के ए गामा एच स्क्वायर ट्रेंगल के फॉर्म में, ये देखा जाए तो डेप्थ ऑफ सवाल जो प्रोपोर्शनल, किसका प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ द डेप्थ, स्क्वायर ऑफ डेप्थ का प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से देखा जाए कि मेरा बी हो गया, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है हाफ के ए गामा एच स्क्वायर, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या होता है कोहेसिव सॉइल, जो कोहेसिव सॉइल है क्या होता है, गुड फॉर बैकफिल बिकॉज लो लैटरल प्रेशर, लैटरल प्रेशर लो नहीं होता, काफ़ी हाई होता है कोहेसिव सॉइल के लिए। गुड फॉर बैकफिल बिकॉज ऑफ हाई सीयर स्ट्रेंथ, सीयर स्ट्रेंथ हाई होता है इसलिए गुड होता है, गुड नहीं होता, ये हाई होता है लैटरल प्रेशर। द पुअर फॉर बैकफिल बिकॉज ऑफ लार्ज लैटरल प्रेशर, हाँ ये बैकफिल के लिए पुअर माना जाता है क्योंकि इसका जो लैटरल प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा होता है। इस तरह से देखा जाए कि टू लार्ज लैटरल प्रेशर इट इज़ पुअर फॉर बैकफिल, दैट इज ये सही मेरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग अर्थ प्रेशर थ्योरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली अप्लीकेबल टू बल्क हेड, जो बल्क हेड के लिए डायरेक्टली अप्लीकेबल है वो कौन सा थ्योरी है, तो रैंकाइन थ्योरी भी होता है और कॉलम थ्योरी भी होता है, दोनों अप्लीकेबल होता है, डिज से इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखा जाए, टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर, टेलर स्टेबिलिटी नंबर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इस बराबर क्या होता है, सी डिवाइड बाई गामा एच सी, ये याद रखना है, सिंपल सा थर्ड फॉर्मूला याद रखना, स्टेबिलिटी नंबर इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई गामा एच सी, या फिर इसको दूसरा फॉर्म लिखा जाए, अगर एच सी का जो देखा जाए, अगर एफ के फॉर्म में निकाला जाए तो एफ में एक फार्मूला होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई एच, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी के फॉर्म में दिया जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई गामा एच एफ सी, ये हो गया। या फिर सिंपल लिखा जाए, क्रिटिकल हाइट के फॉर्म में लिखा जाए तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, सी डिवाइड बाई गामा एच सी क्रिटिकल हाइट। तो ऑप्शन देख लेते हैं कितना होता है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन सा दिया हुआ है, तो टेलर स्टेबिलिटी नंबर जो फार्मूला होगा सी बटा गामा, ऐसे सी बटा एच नहीं होता, एच एफ सी गामा भी होता है, याद रखना जब भी होगा तो गामा नीचे होता है, एच सी होता है, या फिर सी डिवाइड बाई एच सी नहीं रहेगा तो यहाँ पर एफ आ जाएगा, गामा एफ सी इंटू एच, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, सी गामा एच सी, दोनों टर्म दिया हुआ इसलिए नहीं होगा, सी बटा गामा एच, सी बटा गामा एच नहीं, गामा एच सी होता है, सी रहता तो ये होता, सी बटा गामा एच सी, दैट इज सी सही है। बहुत माइनर चेंज इसमें दिया हुआ, देखो दोनों में सी सी लगा हुआ है तो ये नहीं होगा, जब भी होगा तो इसकी जगह पर कौन सा होगा, सी डिवाइड बाई गामा एच एफ सी, अगर एफ सी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा हुआ है तो ये इसमें सी लगाएगा तभी सही होगा, इसमें सी लगा हुआ दैट इज ये करेक्ट है, माइनर चेंज इसमें मिस्टेक है, वो देख सकते हैं केयरफुली तभी पता चलेगा। तो बेस फेल्यूअर फॉर द डेप्थ फैक्टर डी एफ इज, बेस फेल्यूअर हो रहा है,
बेस फेल्योर हो रहा है तो क्या होता है, जब बेस फेल्योर होता है, जब बेस फेल्योर तब होता है, जब बेस फेल्योर तब होता है जब टॉप सॉइल का जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेटर हो जाए बेस से। जब टॉप स्ट्रेंथ जो टॉप सॉइल टॉप लेयर का जो सॉइल है उसका जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाए बेस लेवल का, तभी वो बेस फेल्योर कहलाता है। और जब टॉप लेवल का सॉइल अगर लेस होता है बेस से तो ये कौन सा होता है, इसको टॉप फेल्योर बोलते हैं या फिर टो फेल्योर बोलते हैं। जब टॉप टो टॉप लेवल का जो सॉइल है वो अगर वीक हो जाए किससे, बेस बेस लेवल ऑफ सॉइल से, तो इसको टॉप फेल्योर बोलते हैं। बट टॉप लेवल ऑफ सॉइल का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाए बेस लेवल से, तो जिसका सिंपल सा कहने का मतलब ये है इसमें कि जिसका स्ट्रेंथ कम होगा, अगर बेस का कम है तो बेस फेल्योर, और अगर टॉप का कम है तो टॉप फेल्योर। तो यहाँ पर मेरा पूछ क्या रहा है, बेस फेल्योर, बेस फेल्योर कब होगा, जब बेस का जो स्ट्रेंथ है बेस लेवल का सॉइल जो है कम जाए किससे, टॉप लेवल से, मीन्स बी इज लेस दैन टी मीन्स टॉप सॉइल से। तो डी एफ का वैल्यू पूछ रहा है, डेप्थ फैक्टर का वैल्यू कितना होगा। तो डेप्थ फैक्टर का वैल्यू जो इसमें होगा, डेप्थ फैक्टर बेस फेल्योर में जो होगा डेप्थ फैक्टर ग्रेटर देन एफ होता है, मतलब ग्रेटर देन वन होता है, क्योंकि बेस फेल्योर तभी होता है जब मेरा टॉप स्ट्रेंथ जब टॉप सॉइल का जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेटर होता है बेस से, मीन्स डी एफ का जो वैल्यू है ग्रेटर होता है। जीरो कब होता है, जब टी बराबर हो जाए बी का, टी बराबर जब बी का होगा तो इसको बोलते हैं टॉप फेल्योर। ये कब होगा, ये होगा टॉप फेल्योर, ठीक है। वन कब होता है, जब फेस फेल्योर हो, वन कब होगा सॉरी जीरो नहीं होगा, जीरो किसी केस में नहीं होता, जब वन जो होता है टी बराबर बी होता है तब वन होता है, और ये कब होता है टो फेल्योर होता है तब। ये कब होता है, जब वन और जीरो के बीच में होता है, जब कब होता है ये, जब फेस फेल्योर हो, फेस फेल्योर कब होता है, फेस फेल्योर कब होता है जब टॉप फेल्योर का जो है स्ट्रेंथ वो कम जाए बेस फेल्योर से। टॉप फेल्योर का जो टॉप लेवल का जो सॉइल है उसका जो स्ट्रेंथ है बेस लेवल का स्ट्रेंथ से कम जाए, तो इस केस में ये फेस फेल्योर होता है, जो फेस में सबसे टॉप पे है तो फेस हो गया, तो इसको फेस फेल्योर कहते हैं, ठीक है। और ये कब होता है, मीन्स बड़ा कब होता है डी एफ का वैल्यू, जब मेरा टी का जो टॉप लेवल का जो सॉइल उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाए किससे, बेस लेवल का, ये होता है बेस फेल्योर। मीन्स जिसका स्ट्रेंथ कम है, सिंपल तो याद रखना यही, जिसका स्ट्रेंथ कम है, जो टॉप सॉइल अगर कम स्ट्रेंथ का है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप लेवल का कम है तो फेस फेल्योर, बेस लेवल का कम है तो बेस फेल्योर। बेस फेल्योर में डी एफ का वैल्यू ग्रेटर वन होता है, अगर फेस फेल्योर है तो दोनों जीरो और वन के बीच में है, और अगर दोनों इक्वल है तो वन है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि डी एफ का जो वैल्यू है वन कब आ जाएगा, फेस फेल्योर में, तो फेस फेल्योर में टॉप फेल्योर में वन कब आ जाएगा, टॉप फेल्योर में। टॉप फेल्योर कब होता है, जब टी बराबर बी का हो जाए। वन और जीरो के बीच में कब होगा, फेस फेल्योर में। फेस फेल्योर कब होता है, जब टी मेरा कमज़ोर हो जाए, टॉप लेवल का सवाल जो है वीक हो जाए बीस लेवल से, और ये कब होगा, जब बेस फेल्योर, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बेस फेल्योर ऑफ फाइनाइट सॉइल, सेम क्वेश्चन फिर आ गया, बेस फेल्योर ऑफ फाइनाइट सॉइल, अगर द सॉइल बिलो द लेवल ऑफ द टो इज स्ट्रॉन्ग, बेस फेल्योर पूछ रहा है। बेस फेल्योर में अभी बताएं कि बेस फेल्योर कब होगा, जब कमज़ोर हो जाए स्ट्रॉन्ग, कमज़ोर हो जाए किससे, टॉप लेवल से। ये ध्यान देना है कि फेल्योर वही होता है जो वीक हो, फेल वही करता है जो वीक हो। तो यहाँ पर बेस फेल्योर पूछ रहा है, मीन्स बीक द अकर वेन सॉइल बिलो द लेवल ऑफ द टो इज स्ट्रॉन्ग, जो अकर कब अकर करेगा, वेन द सॉइल बिलो द लेवल ऑफ टो इज स्ट्रॉन्ग, जो बेस फेल्योर कब होगा, जब टो जो लेवल ऑफ टो पर जो स्ट्रॉन्ग हो, मीन्स जो अकर वेन द सॉइल बिलो द लेवल ऑफ टो स्ट्रॉन्ग, अकर वेन देयर इज रिलेटिव बीक जोन इन द अपर पार्ट ऑफ द सॉइल, ये कब होगा, ये हो रहा है मेरा फेस फेल्योर में। फर्स्ट केस जो बताए हुए हैं वो फेस फेल्योर का, फेस फेल्योर कब हो रहा था, फेस फेल्योर कब हो रहा है, ये जो है टॉप लेवल का स्ट्रॉन्ग है, मीन्स बेस जो है स्ट्रॉन्ग है, तो ये नहीं होगा। दूसरा क्या दे रहा है, दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, अकर वेन देयर इज रिलेटिवली वीक जोन इन अपर पार्ट, जब आप अपर पार्ट में वीक है, मीन्स टी है वो वीक है बी से, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, अकर वेन द सॉइल बिलो द टो इज रिलेटिवली सॉफ्ट एंड वीक, अभी हम लोग देखें ये बेस फेल्योर का क्वेश्चन है ना, बेस फेल्योर में है,
ये बेस फेल्यूर में, बेस फेल्यूर कब होगा जब बी जो है कमज़ोर हो जाए, बेस फेल्यूर का जो सॉइल है वो कमज़ोर हो जाए टॉप लेवल का सॉइल से। तो अकर बिन द सॉइल बिलो द टो इज रिलेटिवली सॉफ्ट एंड वीक, जो टो से जो नीचे का जो है, टो का जो नीचे का सॉइल है, अगर इस तरह से इसका पैटर्न जो बनता है, इसका अगर जो पैटर्न बना कर देखे जाए तो इस तरह से जो बन रहा है ये होता है, ये हो गया बेस फेल्यूर, यहाँ से क्रॉस करेगा, ये बेस फेल्यूर हो गया, ये टॉप फेल्यूर हो गया, ये सरफेस फेल्यूर होता है। यही बोल रहा है कि अगर भेन द सॉइल बिलो द टो इज इट इज सॉफ्ट एंड वीक, अगर बिलो जो है सॉइल वो सॉफ्ट एंड वीक हो जाए तो बेस फेल्यूर होता है, दैट इज सी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विसॉक्स मेथड, विसॉक्स मेथड जो है स्टेबिलिटी एनालिसिस क्या कहता है, इज मोर कंजर्वेटिव, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन देखा जाए और निगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ फोकस फोर्सेज एक्टिंग ऑन द साइड ऑफ द स्लेस, एज्यूम स्लिप सरफेस, हाँ ये स्लिप सरफेस जो होता है वो आर्क के फॉर्म में होता है विसॉक्स मेथड में, तो इसका सी सिर्फ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अलावल बेरिंग प्रेशर ऑफ द फाउंडेशन डिपेंड्स अपॉन, जो अलावल बेरिंग प्रेशर है फाउंडेशन का किस पर डिपेंड करता है, अलावल सेटलमेंट ओनली, अलावल सेटलमेंट पर ओनली सिर्फ डिपेंड करता है क्या, दूसरा है अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज ओनली बोथ अलावल सेटलमेंट एंड अलावल सेटलमेंट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी एंड सॉइल ओनली, नहीं ये दोनों पर डिपेंड करता है, मीन्स अलावल सेटलमेंट पर भी और बेरिंग कैपेसिटी पर भी, जो बेरिंग प्रेशर जो है फाउंडेशन का किस पर डिपेंड करता है वो सेटलमेंट पे भी और कैपेसिटी बेयरिंग कैपेसिटी पे, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखा जाए थ्रेड नंबर क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू रंकांस एनालिसिस, मिनिमम डेप्थ पूछ रहा है, डेप्थ का वैल्यू मिनिमम कितना हो रहा है, सिंपल याद रखना रंकान, रंकान में याद रखना एक्टिव, ये ट्रिक है रंकान में एक्टिव, रंकान जो होता है वो एक्टिव होता है, रंकान जो होता है वो एक्टिव होता है, रंकान एक्टिव होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है डेप्थ का वन माइनस होगा एक्टिव हो गया, यहाँ से रंकान एक्टिव, रंकान एक्टिव में याद रखना है, तो एक्टिव का क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव का कितना होता है वन माइनस साइन फाइव का स्क्वायर, तो यहाँ से कर सकते हैं जो डेप्थ हो गया वो रंकान में वो ये होता है सिग्मा क्यू डिवाइड बाई सिग्मा क्यू डिवाइड बाई गामा वन माइनस साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर, फॉर्मूला हो गया किसका, रंकान डेप्थ का, रंकान डेप्थ का अगर पूछा जाए रंकान डेप्थ का, तो रंकान डेप्थ का मेरा वन माइनस साइन फाइव डिवाइड बाई वन प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर, ये सिंपल याद रखना, इसमें एक ट्रिक्स यही है रंकान एक्टिव, रंकान एक्टिव से ये डेप्थ हमेशा याद रहेगा, दैट इज बी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू टारजकी थ्योरी द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी एट द ग्राउंड सरफेस फॉर प्योरली कोहेसिव सॉइल, प्योरली कोहेसिव सॉइल कर रहा है मीन्स फाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा, इसमें यही फाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा, एंड स्मूथ बेस स्ट्रिप फुटिंग है, तो स्ट्रिप फुटिंग बोल रहा है, तो स्ट्रिप फुटिंग में अकॉर्डिंग टू टर्जगी थ्योरी, टर्जगी थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, पहला तो कंडीशन दिया हुआ टर्जगी थ्योरी, द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी जो होता है वो कितना होता है एन सी, सी एन सी वो भी स्ट्रिप फुटिंग में, एन सी प्लस अगर देखा जाए टर्जगी इक्वेशन क्या होता है, टर्जगी को अगर इक्वेशन देखा जाए किसके लिए, स्ट्रिप फुटिंग के लिए, तो जो अल्टीमेट के लिए वो भी अल्टीमेट के लिए, तो सी एन सी प्लस सी एन सी प्लस सी एन सी प्लस क्या होता है इसमें, सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस हाफ गामा बी एन गामा, ठीक है ये फॉर्मूला होता है, अगर अल्टीमेट का निकाले हैं अल्टीमेट का स्ट्रिप फुटिंग के लिए, तो ये याद रखना सी एन सी पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म जो होता है वो गामा डी एफ इंटू एन क्यू होता है, या इसको हम लोग सिग्मा इफेक्ट बोलते हैं, तो पहला टर्म और दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म क्या होता है, तीसरा टर्म में हाफ गामा बी एन गामा, ये होता है वन बाई टू फोर स्ट्रिप फुटिंग के लिए, इसी को अगर हम चेंज करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, किसके लिए 0.4 होता है स्क्वायर के लिए और 0.3 होता है सर्किल के लिए, ये अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग था, यहाँ पर 0.5 होता है, और टर्जगी जो डिराइव किया गया था वो सिर्फ स्ट्रिप जो डिराइव हुआ था वो स्ट्रिप फुटिंग के लिए हुआ था, स्ट्रिप फुटिंग में यही होता है पहला टर्म सी एन सी, दूसरा टर्म गामा डी एफ एन क्यू या फिर सिग्मा एन क्यू, इसको शॉर्टकट में और लिखना चाहें तो सी एन सी प्लस सिग्मा इफेक्टिव एन क्यू प्लस 0.5 गामा
एन गामा इंटू बी, ये हो गया स्टैंडर्ड फार्मूला ट्रेजर की इक्वेशन का। तो इसमें पूछ रहा है फॉर प्योरली कोहेसिव मीन्स फाई का वैल्यू जैसे ही जीरो होगा, फाई का वैल्यू जैसे ही जीरो होता है तो एन गामा जो होगा वो जीरो हो जाता है। अगर फाई का वैल्यू मेरा जीरो होता है तो एन गामा जो होता है वो जीरो हो जाता है, एन क्यू जो होता है वो वन हो जाता है, और एन सी जो होता है वो स्ट्रेटजी के केस में वो 5.7 हो जाता है। इसमें पूछ रहा है कि प्योरली क्वेश्चन द स्मूथ द स्ट्रिप फुटिंग द बेयरिंग कैपेसिटी कितना होगा, तो बेयरिंग कैपेसिटी इसमें कितना हो जाएगा 5.7 देख लें, एन सी सी एन सी प्लस जीरो प्लस जीरो अल्टीमेट पूछ रहा था, तो इसमें मेरा सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ प्योरली कोहेसिव सॉइल, नेट अल्टीमेट पूछ रहा है, नेट अल्टीमेट कौन सा होता है। अगर अल्टीमेट में देखा जाए अल्टीमेट का जो फॉर्मूला देख लो सी एन सी पर जो सेकंड टर्म था, सेकंड टर्म मेरा कौन था सिग्मा इफेक्टिव एन क्यू था, तो एन क्यू माइनस वन कर देते हैं तो नेट इफेक्टिव आ जाता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जब नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ प्योरली कोहेसिव सॉइल का अगर नेट अल्टीमेट देखा जाए तो क्यू अल्टीमेट नेट अल्टीमेट देखा जाए तो ये जो होता है वो सी एन सी होता है। किस केस में अगर ये स्ट्रिप फुटिंग है तो प्लस जो दोनों टर्म है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि फाइव जैसे ही जीरो होगा तो एन क्यू माइनस एन क्यू वन हो जाता है। तो एन क्यू बराबर अगर जो सेकंड टर्म मेरा था एन क्यू गामा एन क्यू और थर्ड टर्म जो था हाफ गामा एन गामा बी, तो एन क्यू मेरा जीरो हो रहा था कब, जब फाइव का वैल्यू मेरा जीरो था और ये वैल्यू वन था, तो एन माइनस एन क्यू माइनस वन करेंगे तो ये भी ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, तो दोनों टर्म मेरा जीरो हो गया। तो जो डिपेंड करता है अल्टीमेट जो इसमें है नेट अल्टीमेट तो सिर्फ सी एन सी मिस इस पे डिपेंड करता है और बाकी टर्म जीरो हो जाता है। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल प्योरली कोहेसिव सॉइल डिपेंड्स ऑन बीट्स, बीट्स पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड्स ऑन डेप्थ एंड फूडिंग, डेप्थ पे भी डिपेंड नहीं करता, डिपेंड्स ऑन बोथ डेप्थ एंड बीट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ, इंडिपेंडेंट रहता है दोनों पे, दैट इज डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल इसमें यही याद रखना है जैसे ही फाइव बराबर जीरो करते हैं तो मेरा जो एन गामा हो गया वो जीरो हो जाता है और एन क्यू का जो वैल्यू है वो वन हो जाता है। ठीक है, और एन सी अगर देखा जाए एन सी का देखा जाए तो टर्जगी में 5.7 हो जाता है, पेरेंटल में 5.14 हो जाता है, अलग अलग कब अलग अलग थ्योरी में अलग अलग होता है एन सी का वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो हो गया इंडिपेंडेंट हो गया आंसर इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा 42 नंबर द राइज ऑफ वाटर टेबल बिलो द फाउंडेशन इन्फ्लुएंस द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल मेनली बाई रिड्यूसिंग, अगर वाटर टेबल बिलो जो है फाउंडेशन का अगर वो इंक्रीज कर जाए मीन्स फाउंडेशन का जो नीचे का जो वाटर लेवल वो इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा वो पूछ रहा है। तो कोई वाटर लेवल अगर इंक्रीज कर रहा है तो कोहेजन एंड इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयर इंक्रीज, शेयरिंग रेसिस्टेंस तो कैपेसिटी ऑफ सॉइल मेनली रिड्यूस, क्या रिड्यूस करेगा वो पूछ रहा है कि अगर वाटर लेवल फाउंडेशन के नीचे का जो अगर इंक्रीज करता है तो बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल मेनली रिड्यूस, किसके वजह से रिड्यूस करता है वो पूछ रहा है। तो किसके वजह से रिड्यूस कर रहा है तो कोहेजन एंड इफेक्टिव एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, इफेक्टिव एंगल नहीं होता है इफेक्टिव स्ट्रेस होगा, कोहेजन से कोहेजन रिड्यूस करता है, इफेक्टिव यूनिट वेट रिड्यूस करता है, दैट इज बी इसका इफेक्टिव एंगल नहीं होता में जब भी होगा तो बेयरिंग कैपेसिटी रिड्यूस करेगा वाटर लेवल लार्ज करेगा तो कोहेजन रिड्यूस हो जाएगा, यूनिट वेट रिड्यूस हो जाएगा, यूनिट वेट रिड्यूस करने का मतलब होता है कि जो गामा सबमर्ज हो जाएगा तो एक कम जाता है, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टर्जगी जनरली बेयरिंग कैपेसिटी फॉर फॉर्मूला फॉर स्ट्रिप फिटिंग का फॉर्मूला भी हम लोग देखे थे, जो टर्म था यही टर्म था, ये होता है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला है, ये अगर देखा जो जो दिया हुआ है सी एन सी प्लस हमारी फर्स्ट टर्म था सेकंड टर्म था थर्ड टर्म था ये दिया हुआ वो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी दिया हुआ, अगर नेट निकालना है तो इसी में एन क्यू माइनस वन कर देते हैं तो ये नेट अल्टीमेट हो जाता है, अगर नेट सेफ निकालना है तो अगर क्यू नेट सेफ निकालना है तो क्यू नेट बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर देते हैं तो क्यू नेट सेफ निकल जाता है। ठीक है, अगर इसमें उसमें क्या करेंगे एन क्यू माइनस वन कर देंगे तो अल्टीमेट निकल जाएगा, नेट अल्टीमेट निकल जाएगा। ठीक है, ये अल्टीमेट का दिया हुआ है, नेट सेफ निकालना है तो नेट सेफ निकालने के लिए क्या करेंगे क्यू जो दिया हुआ उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से न्यू नेट अल्टीमेट डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर देंगे, और सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकालना है तो सेफ में क्या करते हैं
क्यू अगर सेफ निकालना है तो क्यू सेफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्यू नेट सेफ, जो क्यू नेट सेफ निकला प्लस में ऐड कर देते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा डिवाइड गामा इंटू डी एफ, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि सेफ कब लगता है, सेफ का अगर निकालना है तो क्यू नेट सेफ प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस, नेट सेफ निकालना है, नेट सेफ निकालना है तो क्यू नेट सेफ, सेफ था फर्स्ट में सेफ था, अगर नेट सेफ निकालना तो क्यू नेट अल्टीमेट डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और नेट अल्टीमेट निकालने के लिए हम लोग एन क्यू में माइनस वन कर देते हैं। लेकिन ओरिजिनली जो दिया हुआ था टर्जरी बेयरिंग कैपेसिटी का जो फार्मूला ये, वो किसके लिए दिया हुआ था, अल्टीमेट के लिए दिया हुआ था। पूछ किया रहा था क्वेश्चन में कि जो टर्जरी ड्राइव किया गया था फार्मूला सी एन सी प्लस गामा डी एन क्यू प्लस 0.5 गामा एन फाइव जो है वो स्ट्रिप के लिए था, स्ट्रिप के लिए दिया हुआ भी है इसमें, स्ट्रिप फोटिंग के लिए ड्राइव किया गया था, किसके लिए ये जो आया था वो क्या था, तो ये अल्टीमेट के लिए था, मीन्स क्यू यू के लिए दिया हुआ था अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो 44 नंबर क्या कर रहा, टर्जरी बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर एन सी एन क्यू एंड एन गामा फंक्शंस ऑन, किस पे डिपेंड करता, तो ये एंगल पे डिपेंड करता ओनली, तो इंटरनल फ्रिक्शन ओनली, दैट इज बी। नेक्स्ट 45 नंबर क्या कर रहा, इफ द प्लेट लोडिंग टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो पी एल टी है, मीन्स पी एल टी प्लेट लोडिंग टेस्ट जो है, प्लेट लोडिंग टेस्ट पूछ रहा है, पी एल टी जो है डिटरमाइन द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, साइज ऑफ स्क्वायर फुटिंग, जो स्क्वायर फुटिंग साइज है वो क्या होता है स्टैंडर्ड, तो जो साइज होता है वो जो साइज लार्ज करता है, जो इसका रेंज है वो होता है 30 to 75 सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड जो डायमेंशन होता है प्लेट का, स्टैंडर्ड डायमेंशन होता है वो 75 सेंटीमीटर का होता है, और जो लोड लगता है इस पे, जो लोड लगता है वो 65 केजी का होता है, लोड 65 केजी, याद रख सकते हैं 65 केजी लोड और 75 सेंटीमीटर साइज उसका, तो यहाँ से याद रख सकते हैं क्या आ रहा था, साइज पूछ रहा क्या होता, तो मैक्सिमम 75 तक दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक, दैट इज बेस का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट, फिर से इनकरेक्ट पूछ रहा है, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ लोड, लोड पे बेयरिंग कैपेसिटी डिपेंड नहीं करता है, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल, हाँ टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है, ठीक है, द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ फुटिंग, शेप एंड साइज पे भी डिपेंड करता है, द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ लोडिंग, रेट ऑफ लोडिंग पे इंडिपेंडेंट रहता है, भी सही है, इनकरेक्ट पूछ रहा था ना, इसमें इनकरेक्ट कौन हो गया, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स, ये बोला डिपेंड कर रहा है किस पे, अमाउंट ऑफ लोड, अमाउंट ऑन डायरेक्शन ऑफ लोड, अमाउंट ऑफ डायरेक्शन, अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ लोड पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये लिखा हुआ डिपेंड करता है, मीन्स ये गलत है, यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछ रहा था, दैट इज ए इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 600 mm स्क्वायर बेयरिंग प्लेट सेटल बाई 15 mm इन प्लेट लोड टेस्ट ऑन द कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल है, कोहेजन लेस जैसे ही बोले तो क्या हो जाता है, कोहेजन लेस में सी बराबर जीरो, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, सॉइल इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग ऑफ द इंटेंसिटी लोडिंग दिया हुआ है, सेटलमेंट ऑफ द प्रोटोटाइप सेल ऑफ फुटिंग 1 meter square अंडर द सेम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग इज, तो कोहेजन लेस में जो अगर निकालना है सेटलमेंट, तो एक फार्मूला होता है इसमें, अगर जैसे ही कोहेजन लेस आए तो कोहेजन लेस में एक सेटलमेंट का फार्मूला होता है, अगर सेटलमेंट ऑफ फुटिंग डिवाइड बाई सेटलमेंट ऑफ प्लेट इज इक्वल टू प्लेट ऑफ फुटिंग विड्थ ऑफ फुटिंग मतलब फुटिंग का जो विड्थ हो गया वो, और विड्थ ऑफ प्लेट प्लस 0.3 का स्क्वायर डिवाइड बाय ऊपर भी, यहाँ एफ यहाँ एफ, ये याद रखना, यहाँ एफ यहाँ एफ, ठीक है, यहाँ पी लगा तो यहाँ पर पी लगा दो बाहर, और बी जहाँ पी हो गया तो यहाँ पर एफ हो जाएगा, प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है कोहेजन लेस के लिए, सिंपल स्टैंडर्ड फार्मूला, ये याद रहना चाहिए, कोहेजन लेस जैसे ही आए तो सेटलमेंट का फार्मूला यही लगाते हैं, एस एफ बाई एस पी, जब एफ लगा तो यहाँ पर जब पोजिशन में होगा सेम रहेगा, मीन्स बी एफ इसके ब्रैकेट में डालेंगे तो बी पी प्लस 0.3 का स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पर पी है तो यहाँ पर भी पी हो जाएगा, सेटलमेंट इन प्लेट तो विड्थ ऑफ प्लेट डिवाइड बाई, या प्लेट हो गया तो यहाँ पर फुटिंग प्लस 0.3 का स्क्वायर, इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर सेटलमेंट दिया हुआ था मेरा किस में, प्लेट में सेटलमेंट दिया हुआ है, मीन्स एस पी का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से एस एफ का वैल्यू निकाल लेंगे, एस एफ का जो वैल्यू आ रहा है
वो मेरा कितना रहा बिटवीन बिटवीन 15 to 25 mm के बीच में, 24 के आसपास आ रहा है। तो इसमें कह सकते हैं सिंपल इसमें बताना यही था कि जो फॉर्मूला है वो याद रहना चाहिए, एस एफ डिवाइड बाई एस पी अगर करा जाए तो यहाँ एफ ऊपर में है तो जो बी आएगा वो विड्थ ऑफ फुटिंग डिवाइड बाई यहाँ पे बी एफ आ गया तो यहाँ पे पी आ गया प्लस 0.3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई यहाँ पे एफ हो गया तो यहाँ पर जो होगा वो पी होगा और बी एफ प्लस 0.3 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना किसके लिए, कोहेजन है तब कोहेसिव रहता, अगर यहीं पे अगर कोहेसिव रहता, अगर कोहेसिव सॉइल के रहता तो सिर्फ सिंपल हो जाता एस एफ डिवाइड बाई एस पी इज इक्वल टू बी एफ डिवाइड बाई बी पी। ये कोहेसिव के लिए, ये हमेशा याद रखना है, ये कोहेसिव के लिए होता, कोहेजनलेस के लिए लंबा वाला फॉर्मूला होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148 नंबर। ए 300 mm स्क्वायर बेयरिंग प्लेट सेटल बाय इतना 15 mm इन प्लेट लोड टेस्ट इन कोहेसिव सॉइल, अगर जो है कोहेसिव सॉइल पूछ रहा है द इंटेंसिटी ऑफ लोड इज, लोड दिया हुआ है 0.2 N/mm स्क्वायर देन द सेटलमेंट ऑफ द प्रोटोटाइप सेलो फुटिंग 1 meter स्क्वायर अंडर द सेम इंटेंसिटी, सेम इंटेंसिटी में पूछा है कोहेसिव है तो अभी हम लोग देखें कोहेसिव में क्या होता है, एस एफ डिवाइड बाई एस पी इज इक्वल टू बी एफ डिवाइड बाई बी पी। सिंपल याद रखना है तो शॉर्टकट इसका यही है, जैसे कोहेसिव आए तो कोहेसिव में सिंपल फार्मूला लगाना है एस एफ बाई एस पी, जब एफ है तो एफ सामने भी होगा बी पी डिवाइड बी एफ डिवाइड बाई विड्थ ऑफ प्लेट विड्थ ऑफ फुटिंग, ये होता है कोहेसिव के लिए। तो यहाँ से निकाल लेते हैं जो सेटलमेंट दिया हुआ मेरा, सेटलमेंट मेरा कितना दिया हुआ था, सेटलमेंट दिया हुआ है प्लेट में, प्लेट में सेटलमेंट दिया हुआ है तो हमको निकालना है फुटिंग का, तो एस एफ डिवाइड फुट सेटलमेंट कितना दिया हुआ है 15 mm ठीक है, और फुटिंग का जो सेटलमेंट है तो यहाँ पर बिर्थ कितना होगा फुटिंग का, फुटिंग का बिर्थ दिया हुआ मेरा 1 meter square, तो 1 meter को अगर एम में डालें तो 1000 mm हो गया, और अगर बिर्थ देखा जाए प्लेट का तो प्लेट का कितना हो गया 300 mm, 300 हो गया, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 15 × 30 2 × 2 50, यहाँ से जो सेटलमेंट हो गया फुटिंग का वो 50 mm हो गया, दैट इज यहाँ से आंसर हो गया मेरा सी। सिंपल याद रखना है कि जैसे ही कोहेसिव आया तो सेटलमेंट का जो फॉर्मूला होता है सिंपल वाला हो जाएगा ठीक है, और जैसे ही कोहेजन लेस आवे, फर्स्ट क्वेश्चन में कोहेजन लेस था तो कोहेजन लेस जैसे ही आया तो कोहेजन लेस में क्या हो गया था, कोहेजन लेस में बड़ा वाला जो फॉर्मूला है मीन्स एस एफ डिवाइड बाई एस पी इज इक्वल टू बी एफ बी पी प्लस 0.3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी पी बी एफ प्लस 0.03 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको दोनों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइज ऑफ वाटर टेबल इन कोहेजन लेस सॉइल अप टू ग्राउंड सरफेस रिड्यूस देन नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली, पहला कंडीशन ये देख रहा है इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, राइज कर रहा है वाटर लेवल किस में, कोहेजन लेस सॉइल है, ऐसे ही कोहेजन लेस सॉइल आ गया हमें सी बराबर 0 है, तो पूछ रहा है अप टू ग्राउंड सरफेस जो वाटर लेवल है इंक्रीज कर रहा है अप टू ग्राउंड सरफेस तक, तो जो बेयरिंग कैपेसिटी है कितना जो रिड्यूस करेगा वो पूछ रहा है, तो जो बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर होता है फॉर वाटर वाटर टू वाटर लेवल राइज के कंडीशन में वो क्या होता है, हाफ इंटू 1 + Z γ/, अगर जेड गामा जो थर्ड टर्म में लगा रहे हैं तो जेड गामा बाई बी ठीक है, और दो फैक्टर होता है, पहला टर्म तो 0 हो गया, जो सेकंड पहला टर्म जो मेरा था जो फर्स्ट टर्म मेरा था वो क्या था सी एन सी, तो ये 0 हो गया, सेकंड टर्म मेरा कौन सा था पहला टर्म सी एन सी था, सेकंड टर्म मेरा कौन सा था गामा डी एफ एन क्यू, तो इसमें एक फैक्टर लग जाता है कौन सा आर क्यू का, अगर वाटर टेबल इंक्रीज करता है तो इसमें एक फैक्टर लग जाता है आर क्यू का, और जो बराबर होता है कितना होता है 1/2 1+ZQ/DF, तो जब वाटर लेवल ग्राउंड सरफेस पर आता है ये 0 हो जाएगा, तो जो ये 50% जो है 1/2 हो जाता है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये 1/2 हो जाएगा ओवरऑल का, जो भी आएगा 1/2 फैक्टर हो जाएगा, तो जो डिक्रीज करेगा रिड्यूस कर रहा है कितना 1/2 से रिड्यूस कर रहा है रिड्यूस बाई 50%, अगर इसको याद रखना फार्मूला फार्मूला बता देते हैं, तो पहला टर्म जो मेरा था सी एन सी कोहेजन लेस की वजह से वो 0 हो गया, सेकंड टर्म जो मेरा था वो क्या था गामा एन क्यू इंटू डी, इसमें एक आर क्यू फैक्टर लग जाएगा, आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आर क्यू बराबर क्या होता है 1 + आर क्यू बराबर क्या होता है 1 +
जेड क्यू डिवाइड बाई डी एफ, ठीक है। थर्ड टर्म जो होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू गामा इंटू बी इंटू एन गामा इंटू आर गामा, जो आर गामा इसमें जो हो गया, तो आर गामा बराबर जो होगा इसमें हाफ रखता है बाहर में, तो हाफ इंटू वन प्लस जेड गामा डिवाइड बाई बी, ठीक है। तो ये जो बी लिया जाता है, अगर ये डेप्थ ऑफ फुटिंग का अगर ये देखा जाए, तो जो ये डेप्थ होता है ऊपर यहाँ से लेते हैं तो होता है जेड गामा, और यहाँ से लेते हैं तो होता है जेड जेड क्यू। फर्स्ट टर्म में जेड क्यू होता है और सेकंड टर्म जो होता है वो होता है जेड गामा। तो जब ग्राउंड सरफेस पर अगर वाटर टेबल आ जाए तो दोनों का वैल्यू जो है मीन्स जेड क्यू का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा और जेड गामा का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो मेरा जो फैक्टर है जो इंक्रीज़ किया 1/2 से, ठीक है, तो 1/2 से इंक्रीज कर दिया, मीन्स ओवरऑल जो है रिड्यूस करेगा 50% से, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 15 नंबर क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट प्रेशर बीनीथ ए रिजिड फुटिंग रेस्टिंग ऑन कोहेसिव सॉइल। जो कॉन्टैक्ट प्रेशर पूछ रहा है कहाँ, रिजिड फुटिंग पे और कोहेसिव सॉइल है, पहला तो रिजिड फुटिंग है और दूसरा कोहेसिव सॉइल है। तो कोहेसिव सॉइल पर जो कॉन्टैक्ट प्रेशर बनता है वो इस तरह से बनता है, कोहेसिव है तो कोहेसिव इस तरह से। तो इसको अगर देखते हैं तो आउटर साइड में जो हो रहा है, आउटर साइड में ज़्यादा है और सेंटर पे कम है, आउटर साइड पे ज़्यादा है और सेंटर पे कम है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मोर ऑन एज एज कम्पेयर टू मिडिल, इस तरह से सी है कोहेसिव तो कोहेसिव बनेगा। ये रिजिड फुटिंग है, पहला कंडीशन रिजिड है और कोहेसिव है तो सी के फॉर्म में बनता है इस तरह से। तो आउटर में ज़्यादा हो जाता है और सेंटर पे कम हो जाता है, तो यहाँ से कह सकते हैं मोर ऑन एज कम्पेयर टू मीडियम, दैट इज बी। इस पार्ट में हम लोग देख लिए 101 से लेकर के 150 तक के सॉल्व किए, 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हो चुका है। फिर से नेक्स्ट पार्ट में फिर से सॉल्व करेंगे इसको, तब तक के लिए इसको हम यहीं पे एंड कर